हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 10 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखे गए हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट ऑप्शन चुन करके सही आंसर बताना है और आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर ज़्यादा समय लेना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके ज़्यादा समय ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है। दोस्तों, आपके ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण, एंड दूसरा है मीरा कुमार, एंड तीसरा है जयंती पटनायक, एंड डी है ममता कश्यप। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो गाइस, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मीरा। दोस्तों, अगर ज्यादा समय लेना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके ज्यादा समय ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर कैल्शियम। तो चलिए दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आपका टाइम समाप्त हो चुका है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, आपके ऑप्शन ये रहे, यानी कि ऑप्शन ए है 22 जनवरी, एंड बी 2 फरवरी, एंड सी है 12 फरवरी या डी 12 जनवरी। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है। तो दोस्तों, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट है, रेल पथ मीटर यानी कि गेज की चौड़ाई कितनी होती है, 1 मीटर या 1.2 मीटर या 1.1 मीटर या फिर 2 मीटर। आपका टाइम शुरू होता है। तो दोस्तों, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। दोस्तों, आपके ऑप्शन है हाथी, घोड़ा, ऊंट या फिर बाघ। तो दोस्तों, सही ऑप्शन चुन करके सही आंसर बताइए। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, रेलवे ने, ट्रैफिक पुलिस ने, सड़क वालों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप इन 4 ऑप्शन में से जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। दोस्तों, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा रेलवे ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। दोस्तों, आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है। दोस्तों, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा के मालिक कौन हैं। दोस्तों, आपके ऑप्शन है शेख खलीफा बिन जायद, हुसैनी सजवानी या फिर अब्दुल अल्फाइम या फिर अब्दुल्ला अल्फ गुरेर। दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है। जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा शेख खलीफा बिन जायद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था। दोस्तों, आपके ऑप्शन है मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर या कवि प्रदीप या फिर नेहरू जी ने। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं अगर आप स्टूडेंट होंगे तो। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि प्रदीप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे। दोस्तों, आपके ऑप्शन है अरदेशीर ईरानी, पृथ्वीराज कपूर, दादा साहेब फाल्के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है। तो दोस्तों, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। उसका राइट आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के, यानी कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता दादा साहेब फाल्के थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।